क्या लुक है guys, guys. Oh, hello guys, स्वागत आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में और आज हम लेके आए वो सीन को जिसका मैं बहुत टाइम से इंतजार था. कौन है रोलेक्स? रोलेक्स इंट्रो सीन का रिएक्शन एंड ये पहली बार हो रहा है कि हम क्लाइमेक्स सीन के बाद किसी हीरो का या किसी का इंट्रो सीन कर रहे हैं. सो ये बहुत है. रोलेक्स का मैंने हल्का हल्का बीजीएम सुना है ट्विटर पे और बहुत सारे नाम सुने लेकिन कभी देखा नहीं. अब देखने को मजा आएगा क्या होगा कैसा होगा. कई रोलेक्स इनमें से ही तो कोई एक नहीं जो लाइक विजय सेतुपति को अंदर ही अंदर घुमा रहा हो चला रहा हो ऐसा हो सकता है क्योंकि अंत में तो वो पकड़े ही गए इतनी सब प्लानिंग के बाद भी. और उनका सारा माल सारा उनका जो भी था वो फैक्ट्री वो पूरी उड़ा दी उनके आंखों के सामने. लाइक जो उनका सबसे मेन सबसे उनके करीब था दिल के वो उनका था वो सब सारा माल और उनके आंखों के सामने वो उड़ता हुआ देखा उनके लिए वो कैसा रहा होगा. बट अब देखना ये रहेगा कि रोलेक्स कैसा कौन है कैसा होता है तो देखते क्या होगा. और पूरी मूवी जो है उसमें कहीं ना कहीं बार बार बात आती रही है कि भाई कहीं ना कहीं रोलेक्स जो है उसको वो हमें ये कर देगा वो ये कर देगा. अभी भी लास्ट में मरते मरते कह रहे थे ऊपर वाला संभाल लेगा तो वही है मेनली. अब देखते हैं फिर क्या होता है. आप भी देखो देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. आजकल जॉब मिलने से पहले रिज्यूमे एक्सपीरियंस और डिग्री के झंझट में पड़े हो. अगर काम आता है तो जॉब तो मिलनी ही चाहिए. तो बस रीलेवल बाय अनअकैडमी फ्री स्किल टेस्ट्स के थ्रू अक्रॉस इंडिया डिजर्विंग कैंडिडेट्स की जॉब्स लगवा रहे हैं. एंड यहाँ पे यात्रा स्विगी मीशो जैसी 200 प्लस कंपनीज हायर कर रहे हैं 18 डोमेन्स में. आप रोहित नैलानी की ही जर्नी देखिए. रोहित ने 12th स्टैंडर्ड के बाद ही अपने पेरेंट्स का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया था. 17 इयर्स की यंग एज में वो प्रोडक्ट मैनेज कर रहे थे और फिर उन्होंने अपना सेल्स में भी इंटरेस्ट बढ़ाया. अब जब उन्हें जॉब लेनी थी तो उनके पास दिखाने के लिए डिग्री तो नहीं थी लेकिन उनके पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. लेकिन फिर भी डिग्री और रेज्यूम के कारण उन्हें बहुत सी कंपनीज चांस नहीं दे रही थी. रोहित ने फिर री लेवल का बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट दिया और इस एक स्टेप से आज वो लोगोस एंटरप्राइजेस में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव प्लेस्ड है. रीलेवल से अब तक 60 करोड़ से ज्यादा वर्थ की जॉब्स डिलीवर हो चुके हैं. लास्ट मंथ ही 300 प्लस ऑफर्स रिलीज हुए थे. ये आज सारे ही दूसरे हायरिंग प्लेटफॉर्म्स में से सबसे ज्यादा है एंड इनमें से बहुत से कैंडिडेट्स के होर्डिंग्स भी आपको दिख जाएंगे अक्रॉस इंडिया. और तो और ये टेस्ट फ्री है. आप कितनी भी बार बुक करके ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो. ये टेस्ट खुद ही प्लेसमेंट के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस है. एंड सबसे मस्त बात अगर आप टॉप 3 स्कोरर्स बनते हो तो आप जीत सकते हो बहुत ही कमाल के एप्पल गुडी जैसे मैकबुक आईफोन और एप्पल वॉच. कुछ दिनों पहले ही री लेवल ने एक नया टेस्ट कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस किया है फॉर कंटेंट राइटिंग. इसका मतलब अब आप टोटल 19 कैटेगरीज में अपना करियर बना सकते हो इंक्लूडिंग सेल्स प्रोग्रामिंग प्रोडक्ट मैनेजमेंट एनालिटिक्स एचआर एंड मेनी मोर. तो देख क्या रहे हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अभी जाके साइन अप करो और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका कितना स्कोर आया. अ वीक लेटर सासोन डॉक मुंबई. और इतना कितना वो क्लासिकल म्यूजिक बजा. मैं वही सोच रही थी. क्या बीजीएम है. अच्छा ये अपनी वाइफ के उसमें ना ये उसमें पूरा ज्वाइन हो गए. यस अभी उनके साथ ही वैसे ही करेंगे. वाओ क्या देख रहा है? बेटे ताई इधर नहीं मगमरंदा
कैथी एक सेल सारा खाना पोनस के कारण विक्रम ने उठते अब नरेंद्र दलों से तो कनक कम चिका नरेंद्र दलों उधर वहां तो वहां कनक कम चिका तो ये लाल मुड़ी जिसने सोच रहा है अन्ना ये नहीं नंबी किया अब आप बढ़िया ना ना अब पैर मुड़ दार हूँ अब पैर यंगे बिल्ला टल के तो सोच रहा है ना क्यों हाँ ये प्यार देख रहे हो तो दूर से देख रहे हैं कैसे वो अभी भी ऐसे ही है आते जाते हैं प्रोडक्ट से इवन எல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சு கொல்றது கஷ்டம் முதல்ல நாம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆரம்பிப்போம் எவன் கையில சரக்குலாம் கிட்டறாங்க வாட் ஓ சூரியே வூ क्या लुक है गाइस जस्ट लुक एट हिज आईज ओ माय कितने टीजरा से लग रहे हैं इसका सेकंड पार्ट होगा क्या हाँ सूर्या एज अ विलेन तभी संदनम इतना डर रहा था रोलेक्स से अरे वो खून से ब्रश कर रहे क्या वो कैसे देख रहे हैं ना वो ब्लैक शर्ट वाले हाँ नहीं ये नहीं तो कौन है रोलेक्स रोलेक्स हाँ ये मिस सर एस सर ओके सर यस सर यस सर சிங்கம் வேட்டையாடும் போது காடை செழிப்பா இருக்குமோ அப்போது பசியோடு இருக்கும் போது காடும் பட்னி கிடக்கணும் 27 வருஷம் 27 வருஷம் ஆச்சு எனக்கு நடத்த உருவாக்குறது அப்பணும் பாட்டணும் யாரும் தூக்கி கொடுத்துடல गाली बोले मौनी में थी व्हाट विक्रम टू धांसू होगी भाई और फिर लास्ट में विक्रम का भी वाओ क्या मूवी है भाई ये व्हाट अ मूवी वाओ सीरियसली हर एक सीन ने हमें सरप्राइज करके छोड़ा है चाहे क्लाइमेक्स हो इंटरवल हो बीच के सीन्स हो और या फिर पोस्ट क्लाइमेक्स सीन हो मजा ही आ गया मूवी देख के बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के भी और कैरेक्टर्स देख के भी एक एक कैरेक्टर की एक्टिंग क्या चुन के की गई थी उन्होंने क्या सच्ची में जान डाल दी थी उनकी एक्टिंग ने पूरी मूवी में और फिर स्टोरी तो अच्छी थी ही एकदम डिफरेंट मूवी एकदम डिफरेंट स्टोरी थी इस मूवी की इतना मजा आया देखने में लाइक अभी वो फहाद फासिल भी इनके उसमें ज्वाइन हो गया है ग्रुप में और विक्रम को भी पता लग गया है कि रोलेक्स कौन है
इतना खतरनाक आदमी लाइक सूर्य रोलेक्स है, जिनको हमने हर मूवी में इतने गुड रोल्स में देखा है, लाइक हमेशा वो एक पॉजिटिव रोल में रहते हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा नेगेटिव रोल, लाइक डॉन्स का भी बाप है ये रोलेक्स, और सीरियसली कैसे तो उन्होंने एक आदमी को ऐसे ही मार दिया, वो सब कुछ देखा विक्रम सर ने, लाइक उन्होंने देख लिया कि एक्चुअली में उसकी फितरत उसका बिहेवियर नेचर कैसा है, तो अब वो उस हिसाब से ही गेम चेंज करते जाएंगे जब इसका पार्ट टू आएगा, लाइक बिना बोले पता चल ही गया कि पार्ट टू इसका आने वाला, सब वेट रहेगा उसका भी। एंड लोकेश का नागराज के तो हैट्स ऑफ है, लाइक क्या यूनिवर्स बनाई उन्होंने पूरी, एंड लाइक बीच में कैथी का रेफरेंस हमें देते रहे कि हाँ देखो यहाँ से कनेक्टेड है, एंड साथ में विक्रम टू आएगी उसको किस तरीके से पूरा इसके साथ कनेक्ट करेंगे एंड क्या बनाएंगे, बिकॉज सूर्या वर्सेस यहाँ पे कमल हसन तो वो बहुत ही कमाल का होने वाला है, उनको दिखाया गया कि लाइक वो डॉनों के डॉन है एंड लाइक किस तरीके से, लाइक वो पूरी मूवी में यही उनको हाइप ही दे रहे थे कि यार वो रोलेक्स ये कर देगा रोलेक्स वो कर देगा, तो रोलेक्स ऐसा, और रोलेक्स ने लास्ट में बोला भी कि मुझे जो भी उनका सर ला के देगा मैं यहाँ पे उसको मतलब लाखों जितने रुपए पैसे चाहिए उतने दे दूंगा, एंड कमल हसन ने सब कुछ सुन लिया है, वो कुछ ना कुछ इस पर भी एक्शन करेंगे, एंड रोलेक्स लास्ट में एक बार फ्लिंच किया और वो देखा वापस कुछ है, फिर वो छोड़ दिया, फिर वो चलता गया, लेकिन फिर वो कैमरा पैन आउट होता है, तो लाइक कैसे हमें सबको ये था कि क्लाइमैक्स के बाद यहाँ पे रोलेक्स की एंट्री हुई और वही फिनिशिंग टच होगा, लेकिन नहीं विक्रम का मूवी है तो विक्रम तो लास्ट में आएगा ही आएगा एंड उसका एक मस्त सा फिनिशिंग टच आएगा ही आएगा, तो बहुत ही दासो सीन लगा, आप लोग कैसे लगा आप हमें जरूर बताएगा, इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, बाय।